हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा या पढ़ा होगा। डिफेंस एस्पिरेंट होने के नाते आपके लिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे CDS पोस्ट को लेकर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके आने वाले SSB या इवन रिटन एग्जामिनेशन में इसके बारे में पूछा जा सकता है। मैं यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि CDS को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको इसे याद रखने की ज़रूरत ना पड़े। 73rd इंडिपेंडेंस डे यानी 15th अगस्त 2019 को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए भाषण में CDS का जिक्र किया था। CDS पोजीशन सबसे पहले ऑफिशियली कारगिल रिव्यू कमेटी द्वारा सजेस्ट किया गया था। दरअसल कारगिल वॉर में भले ही भारत की जीत हुई थी, पर उस टाइम पे सर्विसेज के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ना होने के कारण हमने काफ़ी जवान खोए थे। 24 दिसंबर 2019 को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस पोजीशन को पब्लिकली अनाउंस किया। CDS पोजीशन पे जो ऑफिसर होगा वो एक 4-स्टार जनरल, ट्राई सर्विस चीफ एंड डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का सेक्रेटरी होगा। और ये लास्ट पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में कई सारे मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसी तरह है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसके हेड होते हैं डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री। पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में 4 डिपार्टमेंट आते थे, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एंड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। इन सभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट को सेक्रेटरी हेड करते हैं और ये सभी सेक्रेटरी डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट करते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक नया डिपार्टमेंट ऐड हुआ है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और इस डिपार्टमेंट के हेड होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी करंट CDS विपिन रावत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी होंगे। और खास बात यह है कि CDS को डिफेंस सेक्रेटरी को रिपोर्ट नहीं करना होगा, बल्कि वो डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्टर यानी रक्षा मंत्री या आगे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काफी इंपॉर्टेंट पोजिशन है और ये ट्राई सर्विसेज की इफेक्टिवनेस और इंडिया की ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने में मदद करेगा। ये एक तरह से गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर के सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस के तौर पर काम करेंगे। CDS जैसी पोजीशन फ्रांस, USA, चाइना, UK जैसी सभी मेजर कंट्रीज में मौजूद हैं। कुछ कंट्री में इस पोजीशन का नाम अलग रखा गया है, वहीं कुछ कंट्री में बिल्कुल इंडिया की तरह इस पोजीशन का नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले तीनों सर्विस चीफ में से सीनियर मोस्ट ऑफिसर चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का हेड होता था। जैसे पहले एयर चीफ मार्शल BS धनोआ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के हेड थे। BS धनोआ के रिटायर होने के बाद से यानी 27 सितंबर 2019 से ये पद जनरल विपिन रावत ने संभाला था, पर अब से CDS ही चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होंगे, यानी CDS के रिटायर होने पर नेक्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ही इस कमेटी का चेयरमैन बनेगा। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर का प्रिंसिपल एडवाइजर होता है, बिल्कुल वैसे ही CDS मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होगा। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के परमानेंट चेयरमैन होने के साथ ही CDS नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, डिफेंस प्लानिंग कमेटी और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के मेंबर होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कोई मिलिट्री कमांड नहीं होल्ड करेंगे, पर उनके पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ को डायरेक्ट करने की अथॉरिटी होगी। CDS जरूरत महसूस होने पर थिएटर कमांड भी बनवा सकते हैं। तीनों सर्विसेज में जॉइंटनेस लाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन इंश्योर करना, 5-ईयर डिफेंस कैपिटल एक्विजिशन प्लान और 2-ईयर रोल ऑन एनुअल एक्विजिशन प्लान इम्प्लीमेंट करना, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करना, ये सभी CDS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ट्राई सर्विस एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशन एंड कमांड्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड साइबर, इनको CDS ही कमांड करेंगे। CDS बेसिकली ट्राई सर्विसेज इशू पर ही फोकस करेंगे, वहीं सर्विस स्पेसिफिक इश्यूज के लिए रिस्पेक्टिव सर्विस चीफ ही रक्षा मंत्री को रिपोर्ट करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS का टर्म या तो 3 ईयर्स ऑफ सर्विस, नहीं तो 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी पहले आएगी तब तक होगा। CDS की सैलरी और प्री रिक्विजिट सर्विस चीफ के ही इक्वल होगी।
CDS को बिल्कुल वैसे ही सिलेक्ट किया जाएगा जैसे अभी सर्विस चीफ्स को सिलेक्ट किया जाता है। अगर आपको जानना है कि सर्विस चीफ्स को किस तरह से सिलेक्ट किया जाता है तो ये वीडियो जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब बात करेंगे CDS की यूनिफॉर्म की। CDS के यूनिफॉर्म का कलर उसके पेरेंट सर्विस के तरह ही होगा, पर रैंक एंड बैजेस डिफरेंट होंगे। CDS के इंसिग्निया में अशोक चिन्ह के साथ दो तलवार, एक गरुड़ और एक एंकर मौजूद है जो तीनों सर्विसेज को रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंसिग्निया में दो तलवार आर्मी को, गरुड़ एयरफोर्स को और एंकर नेवी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं फोर स्टार कॉलर और मेडल्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बताई गई सभी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।